उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नई चीता मोबाइल बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये कार्यक्रम पुलिस लाइन में आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने प्रशासनिक भवन और क्वार्टर गार्ड बैरक का भी शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड की पुलिस मित्र पुलिस के नाम से पूरे देश में जानी जाती है, जो पूरे देश में इनकी अलग पहचान है। उन्होंने कहा कि ये जो भवन का निर्माण कार्य हो रहा है, इसमें किसी भी तरह की कोई शिकायत ना हो, इसको लेकर DPR के 5% पैसे को बढ़ाने का भी प्रावधान दिया है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। स्मार्ट पुलिसिंग, अच्छी पुलिस और उत्तराखंड की पुलिस उस दिशा में लगातार काम कर रही है और हमारा निर्माण से संबंधित लगातार इस बात पर फोकस है कि जो भी हमारे भवन बन रहे हैं, आज जैसे यहाँ पर प्रशासनिक भवन बनाया है, क्वार्टर गार्ड का भवन बनाया है, बैरिक बनी है, तो इनका अगर भवनों में निर्माण कार्य अच्छा होना चाहिए, केवल मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जगह अच्छा होना चाहिए। अगर उसमें उस DPR में संशोधन करना है, उसको बढ़ाना है, लेकिन उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। जी द्वारा पुलिस लाइन देहरादून में हमारे प्रशासनिक भवन, क्वार्टर गार्ड और बैरक का शिलान्यास किया गया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि पुलिस के जवानों के भवन आधुनिक सुविधा युक्त होने चाहिए और जवानों की सुविधाओं में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए।